सड़क पर हंगामे की ये तस्वीरें उत्तराखंड राज्य की हैं, जहां सेना के जवान और स्थानीय पुलिस आपस में भिड़ गए हैं। एक पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है तो दूसरी पर आंतरिक सुरक्षा की, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले क्यों भिड़े, इस मामले को समझना पड़ेगा। उत्तराखंड के देहरादून रुड़की मार्ग पर आर्मी के जवान और पुलिस के बीच उस समय हाथापाई हो गई जब आर्मी की गाड़ी पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से टकरा गई। भिड़ंत को लेकर दरोगा और आर्मी के जवानों में कहासुनी हुई, बाद में स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मौके पर धक्का मुक्की की गई और सेना के जवानों के साथ बदसलूकी हुई। देखते ही देखते स्थानीय लोगों का हुजूम यहां पर इकट्ठा हो गया और सेना के पक्ष में नारेबाजी होने लगी। बताया जा रहा है कि विवाद के बीच दरोगा और अन्य पुलिसकर्मी रास्ता रोककर खड़े हो गए। दरोगा और आर्मी के जवानों के बीच धक्का मुक्की हुई। कुछ देर तक स्थितियां बिगड़ी तो फोर्स को बुलाया गया, लेकिन इससे पहले ही भीड़ ने आर्मी की गाड़ी को वहां से भगा दिया। स्थानीय अफसरों के मुताबिक भगवानपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह बिष्ट अपनी निजी कार से रुड़की से भगवानपुर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार रामनगर के पास पहुंची, उस वक्त पीछे से आ रही आर्मी की गाड़ी दुर्घटनावश उनके गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। इसके बाद दरोगा ने सेना के ट्रक को रुकवा लिया और बीच सड़क पर खड़े होकर फौजियों से बहस करने लगे। कुछ देर बाद सेना के जवानों और दरोगा के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मौके पर हो रहा हंगामा देखकर स्थानीय लोग भी यहां आ गए। इसके बाद सेना के पक्ष में जमकर नारेबाजी हुई। देखो, ये आर्मी की गाड़ी आ रही थी इधर से और ये पीछे से साहब भी आ रहे थे, ये पुलिस वाले, इनकी गाड़ी साइड से टच हुई है, एक्सीडेंट हो भी जाता है, इनको पुलिस वालों को मानना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। आर्मी वाले लेट हो रहे हैं, बहुत देर से लेट हो रहे हैं आर्मी वाले, ठीक है। पब्लिक भी आर्मी के साथ है, आज बहुत देर से पुलिस वालों को समझा रही है जाने तो जानो, ये लोग नहीं मान रहे, गाड़ी के सामने आ रहे हैं, हल्की सी गाड़ी टच हुई दोनों की, आर्मी की और पुलिस की। इस मामले में दरोगा अनिल सिंह बिष्ट ने बताया कि वो रुड़की कोर्ट से रिमांड लेकर भगवानपुर थाने जा रहे थे। उनकी गाड़ी में सेना की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो सेना के जवानों ने बदसलूकी की। एसआई के मुताबिक भीड़ ने उन्हें भी भगाने का काम किया है और इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। अब इस घटना के दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। मैं कोर्ट से आ रहा था रिमांड लेके, जैसे मैं यहाँ आया तो आर्मी की गाड़ी ने मेरे को जो है पीछे से टक्कर मारी और मेरी गाड़ी का टायर भी फट गया और साइड में भी लग गई, तो मैंने जैसे उनको रोका तो उनके द्वारा जो है बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई और गाड़ी जो है रोकी नहीं, जबरदस्ती जो है गाड़ी लेके चले गए और हमें धक्के देकर जो है किनारे कर दिया। अच्छा, इस दौरान पब्लिक भी इकट्ठी हुई है? पब्लिक के भी कुछ शरारती लड़के थे, एक दो लड़के हैं, इनके द्वारा भी बदतमीजी की गई। सर, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मुकदमा लिखा जाएगा इनके खिलाफ। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।